नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शोषण, संघर्ष और साथ ही अनेकानेक प्रकार की चुनौतियाँ बालिकाएं अपने जीवन में सामना करती हैं। आवश्यकता है उन्हें उनके अधिकार देने की। कई बार लैंगिक असमानता भी समाज में देखने को आती है। यूँ तो हम नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कराते हैं, उन्हें भोज कराते हैं, लेकिन घर में जब कन्या पैदा होती है तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, खुशी होती है या गम होता है। कब तक आखिर हम इस मानसिकता के साथ जीते रहेंगे? कब तक इस प्रकार की असमानता का सामना करते रहेंगे बालिकाएं? अब आवश्यकता है जागरूक हो जाने की और उन्हें भी समान अधिकार देने की, समान सम्मान देने की, समान स्थान देने की। ऐसे सुंदर संकल्प के साथ, भाव के साथ आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं। ओम शांति। कहते हैं प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, और इंसान सदा जल्दी में रहता है, फिर भी उसका काम कल के लिए अधूरा छूट जाता है। जल्दबाजी का बेहतरीन एग्जाम्पल देखना हो तो किसी भी बड़े शहर की सड़क को देख लें, जहाँ हर कोई भाग रहा होता है, समय की रफ्तार को पकड़ने का प्रयास कर रहा होता है। परंतु सच्चाई ये है कि जितना हम जल्दबाजी करते हैं, उतना ही किसी न किसी कारण से हम और ही लेट हो जाते हैं, और इस बीच में न जाने कितनों का हम दिल दुखा देते हैं और अपना भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। देखा जाए तो जल्दबाजी का ये तरीका हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करा देता है। इसलिए आज से जल्दी ना करें, अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से करने के लिए रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। मन को शांत करके सोच समझ कर हर कार्य करें। आप देखेंगे कि आपके संबंध और आपका कार्य अपने आप ही बेहतरीन होने लगेंगे। ओम शांति। जल्दबाजी ना करें, सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण सा सुवाक्य मित्रों, क्योंकि जीवन के निर्णय यदि हम सोच समझ कर लेते हैं, उसमें हड़बड़ी नहीं करते, जल्दबाजी नहीं करते, तो सचमुच जीवन सफलता से परिपूर्ण होता चलता है। हर कदम पे हमें सुंदर सफलता के ही दीदार होते हैं। लेकिन कई बार मित्रों, एक कारण ऐसा भी होता है जो हमें सफलता से दूर करता है, और वो है विस्मृति, अर्थात भूलने की आदत। यदि हम चीज़ों को भूलने लगते हैं, कई बार ये एक आयु के साथ भी होती है, तो कई बार बाल्यकाल और युवावस्था में भी कई कारणों से होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा तनाव है, दबाव है, हड़बड़ी की आदत है, कार्यों को यदि हम व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं तो भी ये विस्मृति हमारे जीवन में घर करती चली जाती है और हमारी असफलता का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और यही कारण है कि आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम विस्मृति के जो कारण हैं उसी पर सुंदर चर्चा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक समस्या लोगों को होने लगती है, वो होती है भूलने की समस्या। तो बुजुर्गों में अगर भूलने की समस्या को हम तीन कैटेगरी में विभाजित करें, एक होता है सामान्य रीति से भूलने की समस्या। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम भूलने लगते हैं, लेकिन वो इतना नहीं भूलते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में कोई परेशानी पैदा करने लगे। दूसरे प्रकार की भूलने की समस्या होती है जो उम्र के साथ थोड़ा तेज़ी से बढ़ती है और आगे चल के गंभीर बीमारी जैसे डिमेंशिया उसका भी रूप ले सकती है। अगर ऐसा हो तो तुरंत हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। तीसरे प्रकार की भूलने की समस्या होती है जो किसी न किसी और मानसिक परेशानी के कारण होती है,
जैसे डिप्रेशन है, हम जानते हैं कि आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ रहा है। दूसरा है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, छोटी छोटी बातों में जब घबरा जाते हैं तो भी हम चीज़ों को ठीक तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है नींद की समस्या। बुज़ुर्गों में वैसे तो कहते हैं बुढ़ा हो गया है, इसको थोड़ा नींद कमी आएगी, लेकिन 4 से 5 घंटे नींद बुज़ुर्गों को भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। उससे कम नींद होने पर उनको भूलने की समस्या हो सकती है, वो दिनचर्या की चीज़ें भूलने लग सकते हैं और आने वाले समय में गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्गों में कई बार न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज भी मिलती हैं, जैसे विटामिन डी की डिफिशेंसी जो आजकल बहुत कॉमन है, विटामिन B12 की डिफिशेंसी भी बहुत कॉमन है। इसकी वजह से भी बुज़ुर्गों में भूलने की समस्या हो सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम ये भी आजकल बहुत कॉमन है, वो भी कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों में भूलने की समस्या पैदा करती है। तो दोस्तों, भूलने की समस्या उम्र के साथ साधारण बात नहीं है, इसको सिंसियरली लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। धन्यवाद। मित्रों, आध्यात्म जगत की एक महान विभूति ब्रह्मकुमारीज की भूतपूर्व मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात कहा करती थीं, स्मृति और विस्मृति से जुड़ी हुई, कि याद रखी जाने वाली बातों को मैं भूलती नहीं और भूल जाने वाली बातों को मैं याद नहीं करती। कितना महत्वपूर्ण सा स्टेटमेंट है ना। हम भी अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को भूलें जो चीज़ें याद रखने योग्य नहीं हैं, जो हमें परेशान करती रहती हैं, सताती रहती हैं या हमारी मनोस्थिति को ऊपर नीचे करती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी जिम्मेवारियों से जुड़ी हुई हैं, हमारी सफलता से जुड़ी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को, अच्छी बातों को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। यहाँ हमें अपनी स्मृति का सुंदर विकास ज़रूर करना चाहिए ताकि अच्छी बातें हमारे जीवन में घर करती चली जाएँ। और ऐसा ही करते हैं मित्रों, समाज के जो भी सफलतम लोग हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, क्योंकि यदि पास्ट को पकड़कर व्यक्ति बैठा रहेगा जिन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना अधिकांश समय और ऊर्जा उसी में नष्ट कर देता है। लेकिन यदि वो उन्हें भूलकर आगे की ओर देखता है, अच्छी बातों को साथ लेकर चलता है, तभी वो शिखर की ओर बढ़ता है। और ऐसी ही सुंदर और महत्वपूर्ण बातें अपने अनुभव की लेकर आते हैं हमारे विशिष्ट जन। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है। सर, आपका यहाँ आना है ब्रह्मा कुमारीज में, ये आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं जिसमें बात हो रही है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे हर एक क्षेत्र में जाके हम एक चेंज लाएं, क्योंकि हम सबको लगता है कि अब चेंज की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है। हम सब बात भी करते हैं बट कहीं ना कहीं ये हो नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि विश्व में एक दौड़ मची हुई है, हर एक इंसान कुछ पानी के पीछे है, हमेशा उसको एक हर एक को अपना एक अहम है, उसको सेटिस्फाइड करना है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके बाद में क्या। जब इंसान ये संसार छोड़ के जाता है तो हाथ में तो कुछ भी नहीं रहता। जब तक वो जीवित है तब तक वो ही दौड़ में रहता है। आज आप विश्व में देखो तो हर एक देश है वो एक दूसरे के देश के साथ लगा हुआ है, एक तरह की लड़ाई, एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई है, लेकिन क्यों ना ये सब छोड़ के एक विश्वदेव कुटुंबकम की जो भावना जो है वो सब अपना ले। हालांकि वो प्रयास इतना इजी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रह्मकुमारी परिवार जैसी संस्था कुछ हद से ये कार्य कर रही है कि आज 133 देशों में ये है। और आज के समय में जो विश्व के लिए एक संकट की घड़ी है, उसमें जो ब्रह्मकुमारी परिवार का जो मैसेज है, जो एक भाईचारे का मैसेज है, और वो जो एक निस्वार्थ की भावना से यहाँ जो भी भाई है और दीदी है जो करते हैं, अगर यही मैसेज अगर पूरे विश्व में प्रसारित किया जाए तो मुझे लगता है कि धरती बड़ी रहने लायक और सुंदर बन जाएगी। लेकिन हम इतनी जल्दी अपेक्षा नहीं कर सकते जो अपनी विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसा संगठन, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका संचालन ही महिलाएं और बहनें करती हैं।
आज बालिका दिवस है और बालिकाओं के अधिकारों के और साथ ही साथ उनके जीवन के अन्य चुनौतियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सारे संसार में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चा हो रही है, लेकिन ये विश्वविद्यालय पिछले 86 वर्षों से लगातार महिलाओं को उनके अधिकारों को न केवल बाह्य अधिकार लेकिन जो उनके आंतरिक रूप से शक्तियाँ हैं उन्हें जागृत करने का कार्य कर रही है और साथ ही उन्हें मंच पर लाकर उन्हें नेतृत्व कला में बहुत ही प्रवीण बना रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण पूरे विश्व के 140 देशों में आज महिलाएं और बहनें ही इस संगठन को चला रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। इसीलिए बालिकाओं को कमतर ना आके मित्रों, वो बालकों से एक कदम आगे बढ़कर ही अच्छी भूमिका निभाती हैं हर क्षेत्र में। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज हाइलाइट्स में। भारतीय संस्कृति वो धरोहर है जिसे सभी ने सीखा है। सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, पर कलियुग की दुनिया में बुराइयां और विकृतियां इतनी बढ़ रही है कि हमारी संस्कृति इसमें छुपती जा रही है। आज स्वयं भारतीय ही अपनी परंपरा को गौरवशाली नहीं समझ रहे हैं और विदेशी जीवन शैली को अपना रहे हैं। अतः भारतवासियों को अपनी संस्कृति की ऊंचाई दिखलाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत ग्वालियर के माधोगंज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के प्रभु उपहार भवन सेवा केंद्र पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज लश्कर की मुख्य प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने अपने वक्तव्य में कहा, अब वो समय है कि हमारी संस्कृति और सभ्यताओं का जो अंश मात्र रह गया है हम सभी उसका वापस से विस्तार करें। अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनः वही जो आदिकाल में थी उसका विस्तार करने के लिए पुनः फिर उठा लिया है। कार्यक्रम में मिस ग्वालियर आकांक्षा भदौरिया और ग्वालियर ग्लोरी स्कूल की शिक्षिका नम्रता बहन अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके बाद कई कलाकारों ने भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए अपनी अपनी प्रस्तुति दी। मित्रों, केवल आज ही बालिका दिवस के अवसर पर हम बालिकाओं के अधिकार, उनकी चुनौतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा ना करें, लेकिन हमेशा ही हम उनके साथ खड़े रहें, हम उन्हें सक्षम बनाएं, उन्हें योग्य बनाएं। आप प्रतिवर्ष देखते होंगे 10th या 12th बोर्ड के जो रिजल्ट आते हैं उसमें बालिकाएं बालकों से कहीं आगे होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आप देख लें, कहीं भी वो कमतर नहीं हैं। आवश्यकता है हम उन्हें सक्षम बनाएं, उन्हें अवसर दें और उनके अंदर की जो शक्तियां हैं उन्हें जागृत करें, उनके अंदर भय पैदा नहीं करें कि समाज में ये है वो है। जागृति आवश्यक है, भय आवश्यक नहीं है। हम उन्हें सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ, स्नेह के साथ वो स्थान प्रदान करने में, उस स्थान तक पहुँचने में मदद करें जिस स्थान की वो अधिकारी हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, हम भी ऐसे अभियानों के साथ, ऐसी जागरूकता लाने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़ें और अपनी बेटियों को, बालिकाओं को आगे से आगे बढ़ाएं। क्योंकि यदि एक बेटी शिक्षित होती है, एक नारी शिक्षित होती है तो कहा जाता है पूरा खानदान शिक्षित हो जाता है। और जब हम स्वर्णिम समाज, स्वर्णिम राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या ये बेटियों, बालिकाओं की शिक्षा, उनके अधिकार या फिर उनकी उचित सम्मान जिसकी वो अधिकारी हैं उसके बिना हम कल्पना कर सकते हैं? कतई नहीं। आइए एक कदम हम इस ओर अवश्य बढ़ाएं और पूरी दृढ़ता के साथ अपने इस वायदे को भी निभाएं कि हम बेटियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा बेटों के साथ करते हैं। किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं, लेकिन दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए हम समाज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाते चलें। नमस्कार। ओम शांति।